मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 20 सितंबर 2024, बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाप आते हैं तुम बच्चों की खिदमत सेवा करने। प्रश्न, यह पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहावना और कल्याणकारी है, कैसे? उत्तर, इसी समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। यह संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस समय ही बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहां तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती। इसी समय सबकी सदगति होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो, क्योंकि वह पतित पावन है, इसलिए बाप को भी जरूर याद करना है। फिर स्वीट होम को भी याद करना है, क्योंकि वहां जाना है। फिर माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है, क्योंकि यह प्राप्ति होती है। बच्चे जानते हैं हम बाप के बच्चे बने हैं, बरोबर बाप से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जो भी जीव की आत्माएं हैं वह शांति धाम में चली जाएंगी। घर तो जरूर जाना है। बच्चों को यह भी मालूम हुआ अभी है रावण राज्य, इसकी भेंट में सतयुग को फिर नाम दिया जाता है राम राज्य। दो कला कम हो जाती हैं, उनको सूर्यवंशी उनको चंद्रवंशी कहा जाता है। जैसे क्रिश्चियन की डिनेस्टी एक ही चलती है, वैसे यह भी है एक ही डिनेस्टी, परंतु उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। यह बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही ज्ञान अथवा नॉलेज कहा जाता है। स्वर्ग स्थापन हो गया फिर नॉलेज की दरकार नहीं। यह नॉलेज बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सिखलाई जाती है। तुम्हारे सेंटर्स पर व म्यूजियम में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में जरूर लिखा हुआ हो कि बहनों और भाइयों, यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जो एक ही बार आता है। पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी नहीं समझते हैं, तो यह भी लिखना है कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम। तो संगम युग सबसे सुहावना कल्याणकारी हो जाता है। बाप भी कहते हैं मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। तो संगम युग का अर्थ भी समझाया है, वैशाल्य का अंत शिवालय का आदि, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ सब है विकारी, वहाँ सब है निर्विकारी, तो जरूर उत्तम तो निर्विकारी को कहेंगे ना। पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं, इसलिए नाम ही है पुरुषोत्तम। इन बातों का बाप और तुम बच्चों के सिवाय किसको पता नहीं कि यह संगम युग है। किसके ख्याल में नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है। अभी बाप आए हुए हैं, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनकी ही इतनी महिमा है।
वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है, पतित पावन है। ज्ञान से सदगति करते हैं, ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति से सदगति। ज्ञान से सदगति होती है और सदगति है ही सतयुग में। तो जरूर कलयुग का अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएंगे। कितना क्लियर कर बाप समझाते हैं। नए भी आते हैं हूबहू, जैसे कल्प कल्प आए हैं आते रहते हैं। राजधानी ऐसे ही स्थापन होनी है। तुम बच्चों को मालूम है हम खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे ठहरे। एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे, एक पढ़ते हैं फिर इन द्वारा तुम पढ़कर औरों को पढ़ाते हो, इसलिए यहाँ यह बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है। सारी दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं, ना कोई दुनिया में जानता है कि ईश्वरीय यूनिवर्सिटी भी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो गीता का भगवान शिव आकर यह यूनिवर्सिटी खोलते हैं। नई दुनिया का मालिक देवी देवता बनाते हैं। इस समय आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, फिर उसको ही सतो प्रधान बनना है। इस समय सब तमो प्रधान है ना? भल कई कुमार भी पवित्र रहते हैं, कुमारियां भी पवित्र रहती हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु आजकल वह पवित्रता नहीं है। पहले पहले जब आत्माएं आती हैं, वह पवित्र रहती हैं, फिर अपवित्र बन जाती हैं, क्योंकि तुम जानते हो सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको पास होना होता है। अंत में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, यह झाड़ तमो प्रधान जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है, पुराना हो गया है, तो जरूर इनका विनाश होना चाहिए। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़, इसलिए कहते हैं विराट लीला। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है, वह तो जड़ झाड़ होते हैं, जो बीज डालो वह झाड़ निकलता है। यह फिर है वैरायटी धर्मों का वैरायटी चित्र। सब मनुष्य परंतु उनमें वैरायटी बहुत है, इसलिए विराट लीला कहा जाता है। सब धर्म कैसे नंबर वार आते हैं, यह भी तुम जानते हो। सबको जाना है फिर आना है, यह ड्रामा बना हुआ है भी कुदरती ड्रामा। कुदरत यह है जो इतनी छोटी सी आत्मा अथवा परम आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। परम आत्मा को मिलाकर परमात्मा कहा जाता है। तुम उनको बाबा कहते हो क्योंकि सभी आत्माओं का वह सुप्रीम बाप है ना? बच्चे जानते हैं आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है, मनुष्य यह नहीं जानते। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है, वास्तव में यह अक्षर रॉन्ग है। यह भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए, आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा ही जैसे जैसे अच्छे व बुरे कर्म करती है तो ऐसा वह फल पाती है। बुरे संस्कारों से पतित बन पड़ती है, तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अभी तुमको 84 जन्मों का पता पड़ गया है, और कोई भी मनुष्य नहीं जानता। तुम उनको 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हो तो कहते हैं क्या शास्त्र सब झूठे हैं? क्योंकि सुना है मनुष्य 84 लाख योनियां लेते हैं। अभी बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि है ही गीता। बाप अभी हमको राजयोग सिखला रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले सिखलाया था। तुम जानते हो हम पवित्र थे, पवित्र गृहस्थ धर्म था। अभी इनको धर्म नहीं कहेंगे, अधर्मी बन पड़े हैं, अर्थात तो विकारी बन गए हैं। इस खेल को तुम बच्चे समझ गए हो, यह बेहद का ड्रामा है
जो हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होता रहता है। लाखों वर्ष की बात तो कोई समझ भी ना सके, यह तो जैसे कल की बात है। तुम शिवालय में थे, आज वैशाल्य में हो, फिर कल शिवालय में होंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, त्रेता को सैमी कहा जाता है। इतने वर्ष वहां रहेंगे, पुनर्जन्म में तो आना ही है। इनको कहा जाता है रावण राज्य। तुम आधा कल्प पतित बने, अब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कुमार और कुमारियां तो हैं ही पवित्र, उन्हों को फिर समझाया जाता है ऐसे गृहस्थ में फिर जाना नहीं है, जो फिर पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। भगवानों वाच है कि पावन बनो, तो बेहद के बाप का मानना पड़े ना। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो, फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो, जबकि बाप 21 जन्मों के लिए पतित होने से बचाते हैं। इसमें लोक लाज कुल की मर्यादा भी छोड़नी पड़े, यह है बेहद की बात। बैचलर्स कुमार तो सब धर्मों में बहुत रहते हैं, परंतु सेफ्टी से रहना जरा मुश्किल होता है। फिर भी रावण राज्य में रहते हैं ना, विलायत में भी ऐसे बहुत मनुष्य शादी नहीं करते हैं, फिर पिछाड़ी में कर लेते हैं कंपेनियनशिप के लिए। क्रिमिनल आई से नहीं करते हैं, ऐसे भी दुनिया में बहुत होते हैं, पूरी संभाल करते हैं, फिर जब मरते हैं तो कुछ उनको देकर जाते हैं, कुछ धर्माऊ लगा देते हैं, ट्रस्ट बना कर जाते हैं। विलायत में भी बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं, जो फिर यहाँ भी मदद करते हैं। यहाँ ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा जो विलायत को भी मदद करे। यहाँ तो गरीब लोग हैं, क्या मदद करेंगे, वहाँ तो उन्हों के पास पैसे बहुत हैं। भारत तो गरीब है ना, भारत वासियों की क्या हालत है। भारत कितना सिरताज था, कल की बात है। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, बाप ही बनाते हैं। तुम जानते हो बाप कैसे ऊपर से नीचे आते हैं पतितों को पावन बनाने। वह है ही ज्ञान का सागर, पतित पावन सर्व का सदगति दाता, अर्थात सबको पावन बनाने वाला। तुम बच्चे जानते हो मेरी महिमा तो सब गाते हैं, मैं यहाँ पतित दुनिया में ही आता हूँ तुमको पावन बनाने। तुम पावन बन जाते हो तो फिर पहले पहले पावन दुनिया में आते हो, बहुत सुख उठाते हो, फिर रावण राज्य में गिरते हो। भल गाते तो हैं परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है, परंतु पावन बनाने के लिए कब आएंगे यह कोई भी जानते ही नहीं है। बाप कहते हैं तुम मेरी महिमा करते हो ना, अब मैं आया हूँ तुमको अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं हर 5000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। कैसे आता हूँ वह भी समझाता हूँ, चित्र भी है। ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होता है, ब्रह्मा यहाँ है और ब्राह्मण भी यहाँ है, जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है, जिसका फिर सिजरा बनता है। मनुष्य सृष्टि का सिजरा तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही चलेगा ना, प्रजापिता है तो जरूर उनकी प्रजा होगी, कुक वंशावली तो हो ना सके, जरूर एडॉप्टेड होंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है तो जरूर एडॉप्ट किया होगा, तुम सब एडॉप्टेड बच्चे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको देवता बनना है, शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता, यह बाजौली का खेल है। विराट रूप का भी चित्र है ना, वहां से सबको यहाँ आना है जरूर। जब सब आ जाते हैं फिर क्रिएटर भी आते हैं, वह क्रिएटर डायरेक्टर है, एक्ट भी करते हैं।
बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मुझे जानते हो, तुम आत्माएं मेरे सब बच्चे हो ना। तुमने पहले सतयुग में शरीरधारी बन कितना अच्छा सुख का पार्ट बजाया, फिर 84 जन्म बाद तुम कितना दुख में आ गए हो। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर होते हैं ना, यह है बेहद का ड्रामा। बेहद ड्रामा को कोई भी जानते नहीं है। भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो मनुष्यों की बुद्धि में वही बैठ गई हैं। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की ढेर सामग्री है, जैसे बीज की सामग्री झाड़ है। इतने छोटे बीज से झाड़ कितना अथाह फैल जाता है, भक्ति का भी इतना विस्तार है। ज्ञान तो बीज है, उसमें कोई भी सामग्री की दरकार नहीं रहती है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, और कोई व्रत नेम नहीं है। यह सब बंद हो जाता है, तुमको सदगति मिल जाएगी, फिर कोई बात की दरकार नहीं। तुमने ही बहुत भक्ति की है, उसका फल तुमको देने के लिए आया हूँ। देवताएं शिवालय में थे ना, तब तो मंदिर में जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। अब बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था कि अपने को आत्मा समझो, देह के सब संबंध छोड़ मुझ एक बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप जो कुछ अभी समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते आए हैं। गीता में भी कोई कोई अक्षर अच्छे हैं, मन मनाभव अर्थात मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं, मैं यहाँ आया हूँ, किसके तन में आता हूँ वह भी बताता हूँ, ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार तुमको सुनाता हूँ। चित्र भी दिखाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन द्वारा सब शास्त्रों आदि का सार सुनाते हैं। 84 जन्मों के ड्रामा का राज भी तुमको समझाते हैं। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, यही फिर पहले नंबर का प्रिंस बनते हैं, फिर 84 जन्मों में आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस रावण राज्य में रहते पतित लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की बात माननी है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। दूसरा, इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह समझना है। इसमें पार्ट बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं, अच्छे बुरे कर्म करती और उसका फल पाती है। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करनी है। वरदान, बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामना धारी भव। अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के, किनारा करने के, परचिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं, जिन्हें कह देते हो कि क्या करें, मेरे ये संस्कार हैं, ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है, यह रावण की चीज है मेरी नहीं। लेकिन जो बाप के संस्कार हैं, वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं। वह संस्कार हैं विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतन धारी, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना धारी। स्लोगन, जिनमें समर्थी है
वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है। ओम शांति।